दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार शर्मा, आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में एक बार फिर। बार कोड पर दान करना मत भूलिएगा भाई। दान करने से थोड़ी सी मेरी भी सहायता हो जाएगी, एक बड़ा चैनल खड़ा करने का जो सपना पूरा करना चाहता हूँ, शायद आपकी मदद से पूरा हो पाए। देखता हूँ कितना पूरा हो पाएगा। चालू कर। मैं यहाँ क्यों लाया आपको, इस जगह क्यों लाया, ये जगह मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, इसके कुछ मायने हैं। क्योंकि इस वन के अंदर वो कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में मेरे एक वफादार की लाश दबी हुई है, जो मुर्दा हो गया, जिसने 12 साल साथ निभाया और जो मुझे छोड़ करके चला गया। एक डॉग था लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जान से प्यारा था, जो मेरा हर सुबह ख्याल रखता था, जो 4 बजे वॉक के टाइम पे जगाता था, जो हमेशा रोज़ाना शाम को मुझे खाने के लिए मनाता था। लेकिन जानवर वफादार हो सकते हैं, लेकिन वो लोग वफादारी में पीछे छूट जाते हैं जिनका राजनीतिक करियर बनाने में गांधी परिवार बदनाम हो जाता है। वो गांधी परिवार बदनाम हो जाता है जिस गांधी परिवार पर आरोप लगते रहते हैं कि सत्ता उनके द्वारा चलती है, किसी के द्वारा नहीं चलती। यहाँ पर सब कुछ चलता है, लेकिन राजस्थान का घटनाक्रम देखने के बाद वाकई अफसोस होता है, और अफसोस होता है उन हालातों पर जो हालात पैदा किए जाते हैं, जहाँ पर टेप कांड भी होता है, टेप के ए जो हैं अंश भी वायरल होते हैं, जिसमें भंवरलाल शर्मा और सचिन पायलट ग्रुप के कई नेता शामिल पाए जाते हैं। क्यों, क्या इसी दिन के लिए आपको नेता बनाया था? क्या इसी दिन के लिए आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया था? क्या कांग्रेस को छोड़ जाने के लिए आपकी अति महत्वाकांक्षा ने सचिन पायलट की, जो पहली बार में विधायक बने, और पहली बार में विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री का सपना पालने लगे? ये तो गलत बात है ना साहब। गलत बात इसलिए भी है कि सालों गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो फर्श बिछाता रह जाता है कार्यकर्ता, लेकिन इतना सम्मान किसी को नहीं मिलता जो राजस्थान में सम्मान सचिन पायलट को गांधी परिवार की वजह से मिल गया, या उनकी कह सकते हैं काबिलियत मिल गया। अगर काबिलियत तो मिल गया तो उनको इंतजार करना चाहिए था, इस तरह की वफादारी नहीं करनी चाहिए थी, या बेवफाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने बेवफाई की। इस पर क्या कहा जाए दोस्तों, जो कहेंगे वो बहुत थोड़ा होगा, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं टेप कांड के कुछ अंश, और इसी बीच टेप कांड के मैं अंश नहीं डालूंगा, इसी बीच आज तक पर एक बहस चली रघु शर्मा की और रोहित सरदाना की, जिसमें रघु शर्मा ने रोहित सरदाना को बहुत औकात उनकी याद दिला दी, उनको दिला दी औकात याद कि आप बीजेपी के वकील कैसे बन सकते हो, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, आपके भी दिन आएंगे, आपका भी समय आएगा, दिन एक साथ एक जैसे समान नहीं होते, आएगा वो दिन भी। ये वीडियो आप सुन लीजिए, मैं चाहूँगा रघु शर्मा ने जिस तरह से रोहित सरदाना की उतारी है वो आप थोड़ा सुन लें। मैं आपको कहता हूँ, कोई भी आप में से कोई भी मेरा वीडियो क्लिक कर दे और आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दें, संभव है? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन के आधार पर कोई टेपिंग नहीं हो सकता, बिना होम डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति का फोन टेपिंग नहीं हो सकता, उसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चला करके परमिशन लेने के बाद फिर टेपिंग होता है, वो अधिकृत टेपिंग होता है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था तो आप नाराज हो गए थे, वो सवाल पूछ रहे हैं, फोन टैपिंग कैसे किया आपने, किस अधिकार से किया और 6 महीने से कर रहे थे, इसका मतलब आप? वो तो खुद मीडिया पे ही आरोप लगा रहे हैं, आपने सुना नहीं उनको, ये खुद गृह मंत्री रहे राजस्थान के। रघु जी, बड़ा आसान होता है हर चीज को मीडिया पे घुमा देना, आप भी जानते हैं इतने समय से ऐसे थोड़ी राजनीति कर रहे हैं कि मैं कुंठित हूँ, लाचार हूँ, एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये मुझे प्रोसीजर क्या बता रहे हैं? गुलाब चंद जी कटारिया साहब, वो जो होटल है आईटीसी का, उसी होटल में मध्य प्रदेश के 22 बागी विधायक रुके थे, वहीं से कर्नाटक ले जाए गए, वो अभी भी हमारे जो विधायक हैं वहीं में मेहमान बने हुए हैं, वही आईटीसी होटल है। और ये जो 3 निर्दलीय विधायक जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो भी गुड़गांव हरियाणा में ही है, ये भारतीय जनता पार्टी मेजबानी कब से इनकी कर रही है, इनकी भी तो थोड़ा डिटेल बना लो, कौन पेमेंट कर रहा है इनका, कितने होटल बुक कराया, मध्य प्रदेश के विधायक जब रुक के
उनके कितना होटल में कमरे बुक कराए। रघु जी पेमेंट का डिटेल तो हम फेयरमाउंट का भी नहीं मंगा रहे, बुक स्टाइल है। कई कई लोग कई कई बार रुकते हैं वहाँ भी आपकी सरकार की मेहमान नवाजी में, उसका पेमेंट भी कौन दिखा रहा है? मसला जो है उस पर बात होनी चाहिए ना सर। परेशान मत होइए, मैं परेशान नहीं हो रहा सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने अपनी सरकार के विरोधियों को निपटाने के लिए बीजेपी के कंधे का इस्तेमाल किया? आप जिस तरह की हरकतें करने को उतर आए हैं, ये हरकतें लोकतंत्र में ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। पाप का घड़ा फूटेगा एक दिन, गलत चलने में किसी को नहीं रहना चाहिए, और जो सच्चाई है देश की जनता भी देख रही है अच्छी तरह से। एक ही होटल है, उसी में मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जाती है, वही होटल है वहाँ अटैम्प राजस्थान के विधायकों को रखा जाता है। तो एक ही होटल से राजस्थान की बचती भी हर बार, ऐसी मूर्ख देश की जनता नहीं है। एक ही होटल से राजस्थान की सरकार बचती भी तो है रघु जी हर बार, इसलिए होटलों पे ना जाके ना, मसला जो तो असली मसला है सर। रघु जी एक बात तो बता दीजिए, वीरों की धरती है, एक बात तो बता दीजिए, दिखाऊ नहीं है। कल हनुमान बेनीवाल ने जो आरोप लगाया जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, फ्लोर टेस्ट में भी हम साबित करेंगे सर कि राजस्थान में मेजोरिटी हमारे पास है सर। सर लोकतंत्र का गला पैसे के दम पे कोई भी खत्म कर सकता, दबा नहीं सकता। रघु जी ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, इसको सुनने के बाद अपने विचार बताइए कि रघु शर्मा का जवाब सही था। रघु शर्मा ने यह पूछा था सवाल कि भैया जिस होटल में रुके हुए हैं उसका किराया कौन दे रहा था, तो काउंटर कर रहे थे रोहित सरदाना कि मेयर फाउंड में रुके हुए थे उसका कौन किराया दे रहा था। जाहिर बात है अशोक गहलोत दे रहे होंगे या विधायक अपने पैसों से दे रहे होंगे, लेकिन अशोक गहलोत के 25 या 19 जो भी हैं विधायक वहाँ रखे हुए मानेसर विधायक में, मानेसर होटल में ही क्यों जाते हैं और फिर बीजेपी के नेता ही क्यों लड़ने आते हैं? हालांकि जो सुनवाई है हाईकोर्ट के द्वारा मंगलवार तक टाल दी गई है, अब देखते हैं आगे होता है क्या। इसके अलावा आप और हम रहेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, डोनेशन करने के लिए ये बार कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जो मैंने शुरू से लेके अब तक डाला हो दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।